गुड मॉर्निंग किड्स, टुडे आई विल टीच यू अबाउट यूज ऑफ ही सी इट। आज हम ही और सी और इट का यूज करना सीखेंगे। कैसे सीखेंगे चिल्ड्रन, देखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। ही यूज्ड फॉर मेल पर्सन, जो ही यूज किया जाता है ओनली फॉर मेल के लिए किया जाता है। सी यूज्ड फॉर फीमेल पर्सन, सी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। इट यूज्ड फॉर एनिमल्स, ट्रीज, वर्ड्स एंड थिंग्स। कोई ट्री दे रखा हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। कोई वर्ड्स हो, कोई एनिमल हो या फिर कोई थिंग्स दे रखी हो तो उसके लिए हम इट का प्रयोग करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स करते हैं, एक बार देख लीजिए। ही यूज्ड फॉर मेल, सी यूज्ड फॉर फीमेल, इट यूज्ड फॉर एनिमल्स, ट्रीज, वर्ड्स एंड थिंग्स। एक बार फिर से मैं बताऊंगी आपके लिए, पहले मैं कुछ एग्जांपल्स कराती हूँ। जैसे कि डैश इज माई ग्रैंड फादर, जी आर ए एन डी ग्रैंड एफ ए टी एच ई आर फादर। अब हम देखेंगे कि ग्रैंड फादर जो वर्ड है ये कैसा है, ये मेल है, एम ए एल ई एस मेल्स, ये कैसा है, मेल्स है। तो मेल्स है तो इसके साथ में हम क्या प्रयोग करेंगे किड्स, यहाँ पे हम ही का प्रयोग करेंगे या फिर सी का प्रयोग करेंगे या फिर इट का प्रयोग करेंगे। मैंने बताया कि ही इज यूज्ड फॉर मेल्स, तो ये क्या है, मेल्स है, तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ, ओनली फॉर ही का प्रयोग हुआ, ओनली फॉर ही का प्रयोग होगा, सी का प्रयोग नहीं होगा और ना ही इट का प्रयोग हुआ। आया समझ में। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लीजिए आप इसी का। डैश इज अ पुलिस, पी ओ एल आई सी ई पुलिस मैन, एम ए एन मैन। डैश इज अ पुलिस मैन, पी ओ एल आई सी ई एम ए एन पुलिस मैन। अब हम देखेंगे कि पुलिस मैन कैसा वर्ड है, पुलिस मैन मेल है तो यहाँ पर इसके साथ में क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपको खुद ही आंसर आ जाएगा आपके लिए, ही का प्रयोग करेंगे या फिर सी का प्रयोग करेंगे या फिर इट का प्रयोग करेंगे, बताइएगा किड्स। पुलिसमैन मेल है तो हम इसके लिए ही का प्रयोग करेंगे। इतनी चीज आ गई आपकी समझ में। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सी का। इज अ नर्स, एन यू आर एस ई नर्स, एक लड़की है जो कि नर्स है, इज अ नर्स, यहाँ पर ये नर्स है, अब इज अ नर्स। अब आप देख रहे हैं कि नर्स एक लेडी है, नर्स एक लेडी है, मतलब नर्स कैसा है, फीमेल है, एफ ई एम ए एल ई एस फीमेल्स, फीमेल्स है,
नर्स कैसा है, फीमेल्स है, तो इसके साथ में हम यहाँ किसका प्रयोग करेंगे किड्स, ही का प्रयोग करेंगे क्या, क्या सी का प्रयोग करेंगे या इट का प्रयोग करेंगे? मैंने बताया सी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, तो यहाँ पर इसके साथ में हम सी का प्रयोग करेंगे क्योंकि नर्स फीमेल्स है, तो एस एच ई सी, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, इट का प्रयोग नहीं करेंगे। किड्स आ रहा है समझ में? एक और एग्जांपल ले लीजिए आप इसी का ही, सी का ही, तीसरा एग्जाम, चौथा एग्जांपल है ये। डैश इज माई टीचर, TEACHER टीचर। आप देख रहे हैं कि टीचर एक लेडी है, तो टीचर एक लेडी है मतलब फीमेल्स हैं, तो हम फीमेल हैं तो हम क्या लगाएंगे ही इसके साथ में, यहाँ पर हम क्या प्रयोग करें, क्या एस एच ई सी का प्रयोग करेंगे, क्या इट का प्रयोग करेंगे, क्या ही का प्रयोग करेंगे? अगर हमको दिखाई दे रहा है कि इज माई टीचर और टीचर एक लेडी है, पिक्चर ड्रॉ की हुई है, पिक्चर आपको दिखाई दे रही है या फिर आपको पता है कि लेडीज टीचर की बात हो रही है, तो यहाँ हम सी का प्रयोग करेंगे, एस एच ई सी, और इट का प्रयोग नहीं करेंगे, सी का प्रयोग करेंगे, ई का भी प्रयोग नहीं करेंगे। सी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम इट का, नेक्स्ट एग्जांपल किसका लेंगे, इट का। इट का कहाँ यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, ट्रीज, वर्ड्स एंड थिंग्स, जैसे कि इज माय ट्रॉफी, TROPH by ट्रॉफी, तो ट्रॉफी आप देख रहे हैं थिंग्स है, तो यहाँ क्या लगाएंगे हम, क्या इट लगाएंगे या फिर ही लगाएंगे या फिर सी लगाएंगे, क्या लगाएंगे बताइएगा? ट्रॉफी थिंग्स है, मैंने बताया कि इट इज यूज्ड फॉर वर्ड्स, एनिमल्स, थिंग्स या ट्रीज, तो आपको थिंग्स पता है कि ट्रॉफी एक थिंग्स है, तो आईज क्लोज करके आप यहाँ पर इट का यूज कर दीजिए, ही का प्रयोग नहीं होगा, सी का भी नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जांपल, डैश इज अ ट्री, TREE ट्री, अब आपको ट्री दिखाई दे रहा है और ट्री मैंने बोला भी है, या फिर कोई भी ट्री हो, बैनियन ट्री, पीपल ट्री, नीम ट्री, कुछ भी हो, ट्री होना चाहिए, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, क्या ही का प्रयोग करेंगे? नो, ही इज यूज्ड फॉर मेल्स। क्या सी का प्रयोग करेंगे? नो, सी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स। क्या इट का प्रयोग करेंगे? यस, इट का ही प्रयोग करेंगे, क्यों? इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड थिंग्स, तो ट्री, ट्रीज का, यहाँ ट्रीज होते हैं वहां तो इट का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हम इट का यूज करेंगे, ही का प्रयोग नहीं करेंगे, सी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। किड्स आ रहा है समझ में आपके? सेवन, एक और एग्जांपल आप देख लीजिए जिससे कि अच्छे से समझ आ जाए आपके। डैश इज RABBIT रैबिट। रैबिट एक एनिमल है, क्योंकि मैंने ट्री का करवा दिया आपको, एनिमल्स का नहीं करवाया था, है ना, ट्री का करवाया, थिंग्स का भी करवाया था, तो मैंने यहाँ पर रैबिट कर दिया, इज अ रैबिट, तो यहाँ पर हम क्या लगाएं, डैश की जगह क्या यूज करें, रैबिट एक एनिमल है, तो ही का प्रयोग करें, क्या कर सकते हैं? नहीं, ही इज यूज्ड फॉर मेल्स, तो इसका नहीं कर सकते, C
सी का करें, सी का कर सकते हैं? नहीं कर सकते। सी इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, सी का भी प्रयोग नहीं करेंगे। क्या इट का प्रयोग करें? यस, इट का प्रयोग करेंगे क्योंकि इट इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज एंड थिंग्स। तो रैबिट एनिमल है तो यहाँ इट का प्रयोग हम कर सकते हैं। ओके किड्स, तो ये आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। समृद्धि के नाम से फेसबुक पेज है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। टीवी मोबाइल कम देखा करो, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। ओके।